नमस्कार, शंकर स्टडी पॉइंट में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आलोक तिवारी आज आप सभी लोगों के लिए पर्यावरण भाग टू से रिलेटेड प्रश्न को लेके आए हैं, जो सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदूषण संबंधित है तो किससे संबंधित है? या ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण से संबंधित है। अगला है क्वेश्चन हम लोग का कि वृक्षों का अध्ययन विज्ञान की किस शिखा के अंतर्गत, किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो वह होता है डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत। अगला है कि सौर ऊर्जा का स्रोत है कौन सा होता है? तो वह है नाभिकीय संलयन। अगला है कि झूम और सीढ़ी नुमा किस प्रकार की खेती यहाँ पे होता है? तो यह क्या होता है, किस प्रकार की है? तो यह खेती है, ठीक है। झूम और सीढ़ी नुमा किसका प्रकार है? तो किसका प्रकार है, खेती का। अगला है कि विटामिन सी पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है, संतरा और नींबू, और तथा किसमें पाया जाता है, मिर्ची में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि पर्यावरण संरक्षण के लिए 171 देशों का 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था, यह किया गया था ब्राजील में। अगला कि 2002 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने की थी? तो किसने किया था, टॉल्स्टॉय। अगला है कि तालाब उदाहरण है, किसका उदाहरण है, कृत्रिम पारिस्थितिकी का। अगला क्वेश्चन है कि कवक को खाद्य श्रृंखला के किस श्रेणी में रखा जाता है? तो वह यह रखा गया है, तो अपघटक के रूप में रखा गया, अर्थात डिकम्पोजिशन के रूप में रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि नेत्रहीनों को पढ़ाने के लिए किस विधि का उपयोग संपूर्ण विश्व में किया जाता है? कहाँ पर, पूरे विश्व में, पूरे संपूर्ण विश्व में कहाँ किया जाता है? तो यह किया जाता है कहाँ पे, ब्रेल लिपि में। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें कितनी बिंदुएं होती हैं? तो इसमें 6 बिंदुएं होती हैं, जिसके द्वारा नेत्रहीनों को पढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और इसको क्या करते हैं वे लोग, टच करके पढ़ाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? तो 1972 में बनाया गया। चलिए अगला है कि वन संरक्षण अधिनियम बना तो कब बना था, या 1980 में। अगला है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया, तो ये कहाँ पे है, तो यही 1986 में। अगला है कि जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना, तो यह कब बना था, 1974 में। अगला है कि पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, किस संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया, तो किसके अंतर्गत जोड़ा गया है, अनुच्छेद 51A और 42वें संविधान के संशोधन में इसको जोड़ा गया है। अगला है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है, या भोपाल में स्थित है, कहाँ स्थित था, या भोपाल में। अगला क्वेश्चन है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो यह कहाँ पर है हमारा, देहरादून में, कहाँ पर है, देहरादून में। चलिए वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो यह कहाँ है, जोरहाट में है, कहाँ पर है, जोरहाट में है। आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्था कहाँ पर है, तो यह कहाँ पर है, कोयम्बटूर में है, कहाँ पे है, कोयम्बटूर में। अगला है उत्पादकता केंद्र कहाँ पर है, तो यह कहाँ पर है, रांची में, कहाँ पर है, रांची में। भारत की प्रथम वन्य नीति निर्माण कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1894 में हुआ था। गिद्ध संरक्षण योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो यह कब किया गया था, 2016 में। अगला क्वेश्चन है कि गोंड संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई, तो जो गोंड संरक्षण परियोजना है वह 1987 में शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि कछुआ, क्या पूछा है, कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत हुई तो कब हुई थी, 1975 में, कब हुई थी, 1975 में। बाघ संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ हुई, तो 1973 में।
अगला है कि किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है, तो किसको माना जाता है, यूके लिप्टस को माना जाता है। अगला है कि चालबाज किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो बिसुवती वर्षा वन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, तो यह जोधपुर राजस्थान में स्थित है। अगला है कि मार्टियल प्रोटोकॉल संबंधित है, तो किससे संबंधित है, यह 1987 में ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। वियना समझौता हुआ तो 1985 में ओजोन परत से संबंधित था, तो वियना समझौता किससे संबंधित है, तो ओजोन परत से संबंधित है। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष लागू हुई, तो 2005 में लागू हुई। कब हुई थी, 2005 में। अगला है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया, तो कब किया गया था, 1992 में। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया, तो यह कब किया गया था, यहाँ पे रियो डी जेनेरियो में। कौन सा पूछ रहा है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा किस सम्मेलन में की गई, तो किसमें की गई है, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। चलिए अगला है क्वेश्चन, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, कैलाश कैलाश सांखला को कहा जाता है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है पर्यावरण के। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में पारिस्थिति के जनक कौन है, डॉक्टर रामदेव मिश्रा। कौन है, डॉक्टर रामदेव मिश्रा जी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, रविंद्र कुमार सिन्हा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, रविंद्र कुमार सिन्हा को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के जन्मदाता थे, तो कौन है, सुंदरलाल बहु गुड़ा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, क्या बोल रहा है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो सभी लोगों को लगभग पता है यह कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो यह कब मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है। कितने मार्च को, 3 मार्च। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस हमारा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। कोहरे की आड़ पाठ देखने में सहायक तरंग होती है, तो कौन सी, अवरक्त विकिरण तरंग होती है। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है, अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार कौन से है, तो वह है कारखाने। कौन सा, कारखाने। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का, पार्थिनियज गाजर घास के परागकरण से कौन सा रोग होता है, तो कौन सा रोग होता है, उससे चर्म रोग एवं दमा होता है। अगला क्वेश्चन है लाइकेन किस पर्यावरण प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं, तो वायु प्रदूषण के। किसके माने जाते हैं, वायु प्रदूषण के। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला है कि इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है, तो कैडमियम के कारण होता है। किसके कारण, कैडमियम के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अगला है हम लोग का कि कांग्रेस घास किस घास को कहा जाता है, तो कौन सा है, पार्थेनियम गाजर घास को कहा जाता है। अगला है कि अम्ल वर्षा कि जल का पीएच मान होता है, कितना होता है, 4.2 से कम होता है। ब्लैक फुट नामक बीमारी का कारण क्या होता है, तो वह होता है आर्सेनिक की अधिकता। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाने देता है क्या, प्रकाश संश्लेषण। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का कि सौर विकिरण की
सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है कौन सी? तो जल चक्र में होती है। अगला है अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहां पर स्थित है? तो यह कहां पर है? नागपुर में। कहां पर? नागपुर में। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है वायुमंडल। क्या कहा जाता है? वायुमंडल। अगला है वायु एक क्या है? तो वह वायु एक क्या होता है? मिश्रण होता है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है? वह 78% होती है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत में उपस्थित होती है क्या? नाइट्रोजन उपस्थित होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन उपस्थित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो किसकी कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नैरोबी में। कहाँ पर? नैरोबी में। विश्व मौसम विज्ञान संस्थान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जिनेवा में। अगला है कि पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादनों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है, क्या आरंभ किया? तो सरकार ने आरंभ किया इको मार। क्या आरंभ किया है? इको मार। यहाँ पे क्वेश्चन है कि झूम खेती कहाँ होती है? तो झूम खेती कहाँ होती है? तो यह होती है मेघालय में। भारत के मेघालय में कौन सी खेती होती है? झूम खेती होती है। अगला है शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप कहलाता है? तो किसका है? यह कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? या विश्व जल दिवस हमारा 22 मार्च को मनाया जाता है। किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? कौन सा? चंद्रप्रभा। चंद्र प्रभा वन्य जीव तो कहां पर है? यह हमारा चंदौली में। कहां पे? चंदौली में। अगला है गिर वन्य जीव अभयारण्य किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? तो किसका करता है? यह शेर का करता है। किसका करता है? शेर का करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हम लोग का ग्रीन मफलर। क्या है? ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ग्रीन मफलर जो है वह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं कौन से उपभोक्ता होते हैं? तो शाकाहारी सबको पता है कौन से उपभोक्ता में आएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। अगला है कि प्राथमिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। अगला है कि अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी बताया गया यह कब मनाया जाता है? तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक। अगला है प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थली प्रदेशों में पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है केक्टस। ठीक। सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं लेके आया हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आज अगला क्वेश्चन है हम लोग का टाइटन किस ग्रह का प्राथमिक उपग्रह है? तो किसका है? वह शनि का है। किसका है? शनि का। ध्रुव तारा कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो उत्तरी तारे को ध्रुव तारे के रूप में कहा जाता है। अगला है फूलों की घाटी स्थित है, तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो यह हमारा उत्तराखंड में स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। अगला है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है, किसे माना जाता है? इसे माना जाता है सूर्य के प्रकाश को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हम लोगों का कि सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो सुनामी की उत्पत्ति जो होती है वह समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से होती है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष क्या पूछा है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो वह होता है सिकुआ। कौन सा होता है? तो होता है वह कौन सा? सिकुआ। चलिए
अगला है कि रेड डाटा बुक का संबंध है, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से होता है। अगला है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधी वर्षा वनों में पाई जाती है। अगला है कि शांत घाटी अवस्थित है, तो शांत घाटी कहाँ अवस्थित है? यह हमारा केरल में अवस्थित है। वेंटलेट दिवस कब मनाया जाता है? तो यह कहाँ कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान को बढ़ाना। अगला है कि ग्रीन हाउस गैसों की कल्पना की थी, किसने की थी? जोसेफ फेरियार ने की थी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि कार्बन क्रेडिट, क्या पूछा है? कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण किस शहर से शुरू हुआ? तो किस शहर से हुआ है? यह क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक, अगला है एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा, तो वह कौन सा होता है? वह होता है आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। अगला है कि ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती वह है स्ट्रेटोस्फीयर। अगला है कि वायुमंडल में ओजोन परत पृथ्वी पर परावैंगनी किरणों से जीवन को क्या करती है? रक्षा करती है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है। अगला है कि भारत का सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सर्वप्रथम, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है? सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वह कौन सा है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से मापी जाती है। अगला है वायुमंडल में ओजोन छिद्र पाया गया है वह कहाँ पर स्थित है? तो वह कहाँ पर स्थित है? वह हमारा अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। अगला है वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों की परिवर्तित कहलाती है, ठीक है, कहलाती है, तो वह कौन सा होगा? वह हमारा होता आयन मंडल। तो ये आज थे पर्यावरण से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप जुड़ सकते हैं शंकर स्टडी पॉइंट पर, और व्हाट्सएप कर सकते हैं आप सभी लोग 7380 644। और वीडियो आपको कैसी लगी इसके लिए आप कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद।